जब ये सजदे में हो और सर भी हो पेशे खुदा, लेकिन जो ऐसे में ख्याले मुस्तफा छूटा तो सब छूटा। जब ये सजदे में हो और सर भी हो पेशे खुदा, लेकिन जो ऐसे में ख्याले मुस्तफा छूटा तो सब छूटा। उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। सल्लू कमारा ए तुमुनी ओ सल्ली, सुभान अल्लाह सुभान। अच्छी तरह से मुसलमानों जहन में रखना इस बात को। उसके बाद ज़कात की मंजिल आती है, और कुरान करीम में जब आप तिलावत फरमाते होंगे तो आप देखते होंगे कि जहाँ जहाँ अकीमुस सलात आया है बेशतर जगह उसके बाद वातु ज़कात आया है। सलात कायम करो और ज़कात दो। मैं आज ये चाहता हूँ कि बुनियल इस्लाम वाला खम्स पर एक मुख्तसर सी तशरीह कर दूँ। वातु ज़कात, ज़कात दो। तो नमाज के सिलसिले में नमाज तो हर आकिल बालिग मुसलमान पर फ़र्ज है, इसको जहन में रखिएगा। सारे मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज नहीं है, ये बिल्कुल अटल बात है। अगर कोई कहता है कि सारे मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज है तो गलत बोलता है। नमाज सिर्फ आकिल और बालिग मुसलमान पर फ़र्ज है, वरना कोई मुझे बताए कि क्या नाबालिग मुसलमान पर नमाज फ़र्ज है? कोई बता दे। नाबालिग मुसलमान पर नमाज फ़र्ज नहीं, और वो मुसलमान जो पागल हो गया हो जी, जो साकितुल अक्ल हो गया हो, उस मुसलमान पर भी नमाज फ़र्ज नहीं है। दो तरह के मुसलमान ऐसे हैं जिन पर नमाज फ़र्ज नहीं है। वो मुसलमान जो नाबालिग है उस पर नमाज फ़र्ज नहीं, वो मुसलमान जो पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, अक्ल जिसकी साकित हो गई है, माउफुद दिमाग हो गया है, उस पर भी नमाज फ़र्ज नहीं है। हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज है, शर्त यह है कि वो बालिग हो और आकिल हो। जहन में रखिएगा, आकिल होना शर्त है, बालिग होना शर्त है। और किसी मुसलमान की नमाज माफ़ नहीं है, किसी भी आकिल बालिग मुसलमान की एक वक्त की नमाज माफ़ नहीं है। नमाज का तारिक जहन्नमी है, नमाज छोड़ने वाला जहन्नम के शोलों का ईंधन बन जाने वाला है। कलमा पढ़ने के बाद भी फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, हमें दुख होता है कि नहीं? मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है, हमें तकलीफ़ होती है कि नहीं? मगर मुसलमानों मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कत्ले आम ज्यादा तकलीफ दे है या रसूलुल्लाह के फरमान का कत्ले आम ज्यादा तकलीफ दे है तुम्हारे लिए? ठीक है, हमें तुम्हें तकलीफ होती है, किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर ना कि हमारे कलमा गो भाई पर जुल्म हो रहा है, सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और जो कौम अपने रसूल के फरमान पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दे, उस कौम को यह कहने का हक है कि हम फलां के गम में मुबतला हैं और फलां के गम में मुबतला हैं। क्या हम लोगों का हाल ये नहीं हो गया? अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। वक्त नहीं है, आगे गुजरता हूं। वह आतुस ज़कात, ज़कात दो। ज़कात देने का अकीदा रखना फर्ज है, मगर नमाज में छोटा हो कि बड़ा, छोटा से मुराद नाबालिग नहीं, कमजोर आदमी, छोटे कारोबार का आदमी, गरीब आदमी, कोई भी हो मुसलमान, नमाज किसी वक्त की माफ नहीं। खड़े होके नहीं पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, लेट के पढ़ो। मुझे याद आई सानिया जोहरा, ज़ैनब कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो असदुल्लाहिल गालिब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब, दफ़ाइल मौदलात वल मसाइब, आखिर रसूल व ज़ौजुल बतूल, मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की बेटी हैं, सैयदा फातिमा की लखते जिगर हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन अलजद्दी व अलैहिमुस्सलाम की बहन हैं। इमाम हुसैन की मुसीबत उनकी परेशानी उनके सब्र की शरीके सफ़र है। बेशक करबला से जब वो कैद होकर यजीद के दरबार शाम के लिए रवाना की गई तो वाया कूफा रवाना किया गया, और कूफा में अहले बैत अतहार के शहीदों का सर नेज़ों पे बुलंद किया गया, सैयदानियों को पाब जंजीर किया गया, हजरत आबिद बीमार को जंजीरों में कसा गया, नंगे ऊंट की पीठ पर इन हजरात को सवार किया गया, और कूफा में सड़क के दोनों किनारे औरतें निकाब पोश मुस्लिम औरतें खड़ी होकर यह दर्दनाक नज़ारा देख रही थी। हजरत ज़ैनब ने जब निकाब में देखा, चूंकि रदाए ततहीर छीनी जा चुकी थी, आपका आंचल भी छीन लिया गया था, आपकी चादर भी, नबी की नवासी, नबी का दीन किस तरह कायम कर रही है इस मजबूरी में मुसलमानों, इस पर मैं तुम्हारी तवज्जो मरकूज करवाना चाहता हूँ। जब आपने देखा आम मुसलमानों की औरतों को निकाब पोश, तो मदीना शरीफ की तरफ रुख करके
बड़े ही हसरत और दर्द के अंदाज में आपने एक मरसिया पढ़ा, अपने अपने नाना से इस्तगासा किया और आपने कहा, हे नाना, ये तुर्बत में आराम करने वाले, ये मदीना को आबाद करने वाले, एक कायनात को शाद काम करने वाले, एक दुनिया को जहन्नम की भट्टी से आज़ाद करने वाले, एक कायनात आलम का दुख दर्द अपने सीने पर सहने वाले, अय वरफाना लका जिक्र के मालिक, ए मुस्तफ़ा, आपके घर में पर्दा नाजिल हुआ था, आयते पर्दा हमारे घर में मुस्तफ़ा नाजिल हुई थी, ये मेरे नाना, उस कौम ने आपकी बेटी का पर्दा छीना है जिस कौम को आपने अपने घर से पर्दा अता फरमाया। रसूल पाक के गुलाम, अहले सुन्नत के इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, कैसा पर्दा, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए सियादत पे लाखों सलाम, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मेरे बच्चों के कटे हुए सर नोके सना पे, और अब मेरी नमाज कजा होने की पोजीशन में है, मेरे मालूम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, तू ही साहिब इल्म है, साहिब खबर है, और मोहम्मद की तकलीफ पर भी मुझे तकलीफ इतनी नहीं हुई थी जितनी तकलीफ इस वक्त इस मजबूरी में तेरा सजदा ना करने की वजह से हो रही है। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी नेमत, कितनी बड़ी अजमत, कितना बड़ा प्यार, कितना बड़ा इनाम, जिस नमाज को रसूल पाक लामका से लेके आए, जो तोहफा खसूसी तौर पर अल्लाह ने हुजूर की उम्मत को अता फरमाया, आज उसके साथ कितनी बड़ी नाकदरी हम कर रहे हैं। हमारी जमात, हमारी सफबंदी, हमारा मस्जिदों में इज्तिमा, हमारा एक साथ सर झुकाना अजमत इस्लाम का इजहार भी था और कुफार पर हमारा रोबो दबदबा भी था। आज हम ऐसे हो गए कि ना अजमत इजहार का, अजमत इस्लाम का इजहार करने के काबिल रह गए और ना कुफार पर रोबो दबदबा मुसल्लत करने की सकत हमारे पास रह गई। हवा यही जो रहेगी तो ए नकीबे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए, आ अंदरीब मिलके करें आहोजारियां, तू हाय गुल पुकार, मैं चिल्लाऊं हाय दिल। हजरत, गौर करने की जरूरत है ना।